इस फिल्म की स्टार्टिंग में हमको सेहरा को दिखाते हैं जो कि एक बूढ़ी वूमेन थी और साथ ही वो एक वीडो भी थी, लेकिन वो हमेशा अपने फेवरेट गेमिंग शो को देखती रहती है टीवी पर, जिसके होस्ट थे टैपी। लेकिन उसका एक बेटा भी था जिसका नाम था हैरी और वो एक ड्रग एडिक्ट था। तो वो अपने मॉम के टीवी को लेकर अपने फ्रेंड टायरन के साथ उसे बेच देता है, और टायरन भी एक ड्रग एडिक्ट था। तो वो उस टीवी के पैसे से ड्रग खरीदते हैं और उनको लेकर वो दोनों फ्रेंड डांस करते हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा नशे में थे। इसके बाद वो दोनों रेस्टोरेंट में, और वहाँ पर हैरी इमेजिनेशन करता है कि वो एक पुलिस से उसकी गन को चुरा लेता है, लेकिन ये थी तो सिर्फ एक इमेजिनेशन। अब इसके बाद सेहरा को दिखाते हैं जो कि वापस से उसी शॉप पर जाती है जहाँ पर कि हैरी ने उसका टीवी बेचा था, और वो शॉप के ओनर से दोबारा उसी टीवी को ख़रीदती है। इसके बाद वो उसे घर ले जाकर वहाँ पर फिर से उसी टीवी शो को देखती है। अब फिल्म में हमको मैरियन को दिखाते हैं जो कि हैरी की गर्लफ्रेंड थी, और हैरी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है। वो दोनों चुपके से एक बिल्डिंग के ऊपर जाते हैं। अब सेहरा को दिखाते हैं जो कि अभी भी उसी शो को देख रही थी, लेकिन तभी उसे एक कॉल रिसीव होती है जिससे उसे पता चलता है कि उसका उसके फेवरेट गेमिंग शो में सिलेक्शन हो गया है, यानी कि अब वो उसके एक कॉन्टेस्टेंट बन सकती है और वो टीवी में भी आ सकती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी। अब उसे शो में पहनने के लिए एक ड्रेस चाहिए थी, तो वो अपनी रेड ड्रेस को पहनती है जो कि उसने हैरी के ग्रेजुएशन के टाइम पर पहनी थी, लेकिन वो ड्रेस उसे फिट नहीं होती है क्योंकि वो अब काफ़ी ज़्यादा मोटी हो गई थी, तो उसे अब अपना वज़न कम करना था। अब फिल्म में हमको मैरियन और हैरी को दिखाते हैं जो कि बिल्डिंग के ऊपर बातें करते हैं। इसके बाद वो मन से वहाँ का अलार्म बजाकर चुपके से उस बिल्डिंग से भाग गए थे। अब सेहरा को दिखाते हैं, उसकी एक फ्रेंड सेहरा को अपनी एक डाइट बुक देती है। इसके बाद सेहरा अपने बालों पर रेड कलर भी कराती है, लेकिन उसकी फ्रेंड ने गलती से उसके बालों पर ऑरेंज कलर कर दिया था। अब हैरी और मैरियन को दिखाते हैं जो कि एक साथ अपने अपार्टमेंट पर थे। तभी हैरी मैरियन से कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, तो वो वहाँ पर ऐसी बातें करते हैं। मैरियन कपड़ों को डिज़ाइन करती है और उसका सपना था अपनी एक कपड़ों की दुकान खोलने का। तभी वहाँ पर हैरी उसे एक स्टोर के बारे में बताता है जिसमें कि वो कपड़ों की एक शॉप खोल सकते थे, जिससे कि मैरियन काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी। अब सेहरा को दिखाते हैं, वो अपनी डाइट शुरू करती है, लेकिन वो पहले से काफ़ी ज़्यादा कम खाना खाती है जिसकी वजह से उसकी भूख भी नहीं मिटी थी और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। अब वो अपनी फ्रेंड के पास जाती है और उनको अपनी डाइट के बारे में बताती है, लेकिन तभी उसकी एक फ्रेंड जिसका नाम था रे, वो उसको कुछ डाइटिंग पिल्स के बारे में बताती है जिसकी वजह से सेहरा को भूख काफ़ी ज़्यादा कम लगेगी, लेकिन इस टाइम तो वो उन बातों को इग्नोर करती है। तभी सेहरा को एक मेल रिसीव होता है उसी शो की तरफ से, तो वो अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ पर एक फॉर्म फिल करती है और उस शो के एड्रेस पर उसे सेंड करती है, और वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी थी। अब फिल्म में हैरी को दिखाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा नशे में था। वहाँ पर वो इमेजिनेशन करने लगा था कि वो समुद्र के किनारे पर है और वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड मैरियन भी थी, लेकिन जैसे वो मैरियन के पास जाता है इतने ही रूम में टायरन आ गया था। तो टायरन वहाँ पर हेरोइन लेकर आया था जिसको वो बेचने वाले थे, लेकिन उससे पहले वो उसके कुछ शॉट्स लेते हैं जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा नशे में हो गए थे। अब सेहरा को दिखाते हैं जिसको काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, चारों तरफ उसे खाना ही दिखाई दे रहा था। तभी वो रे को कॉल करती है और रे से उस डॉक्टर का नंबर मांगती है जो कि डाइटिंग पिल्स देता है। अब मैरियन को दिखाते हैं जो कि अपने एक थेरेपिस्ट आर्नोल्ड के पास थी, और वहाँ पर वो उससे बातें करती है। अब फिल्म में सेहरा को दिखाते हैं जो कि उसी डॉक्टर के पास जाती है जो कि डाइटिंग पिल्स दे, और जिसके बारे में सेहरा को रे ने बताया था। तो डॉक्टर वहाँ पर उसे एम्फेटामिन्स पिल्स देता है जो कि भूख पर कंट्रोल करती हैं। अब हैरी और टायरन को दिखाते हैं जो कि गलियों में ड्रग बेचते हैं। वो ऐसा काफ़ी टाइम तक करते हैं और काफ़ी लोगों को ड्रग बेचते हैं, जिसकी वजह से उनके पास अब ढेर सारा पैसा आ गया था और वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी थे। तभी सेहरा को दिखाते हैं जो कि उन डाइटिंग पिल्स को लेती है। इसके बाद वो अपना मनपसंद खाना खाती है। इसके बाद हैरी
को दिखाते हैं जो कि मैरियन के साथ समुद्र किनारे पर था, और वो मैरियन से अपनी मॉम के बारे में बातें करता है। तभी मैरियन हैरी से कहती है कि तुमको जाकर अपनी मॉम से मिलना चाहिए, क्योंकि वो अपनी मॉम से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था। तो वैसे काफ़ी दिन बीत जाते हैं और सेहरा लगातार उन पिल्स को ले रही थी, जिसकी वजह से उसका वज़न भी कम हो गया था। अब वो अपने फ्रेंड के पास थी, तभी वो देखती है कि हैरी उसके पास उससे मिलने के लिए आया था, जिससे कि सेहरा काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी और वो हैरी को अपने रूम में लेकर जाती है। तभी हैरी अपनी मोम को बताता है कि मैंने खुद का बिजनेस खोला है, लेकिन वो उससे ये नहीं कहता है कि मैं ड्रग बेचता हूँ, और वो उससे ये भी कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक टीवी को ऑर्डर किया है जो कि कुछ दिन में आ जाएगा, जिससे कि सेहरा काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी। लेकिन हैरी को इसके साथ ये भी पता चल गया था कि सेहरा कुछ डाइटिंग पिल्स को ले रही है। उसे पता था कि इन पिल्स से सेहरा की डेथ हो सकती है, जिसकी वजह से वो सेहरा को उन गोलियों को लेने के लिए मना करता है, लेकिन सेहरा मानती नहीं है और वो अपने बेटे से कहती है कि मुझे उस शो में जाना है और शो के लिए मुझे ड्रेस को पहनना होगा, क्योंकि मेरा शो में जाना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि मैं अकेली हूँ, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, मेरा हस्बैंड भी नहीं है और मेरा बेटा भी मुझसे दूर रहता है। वो वहाँ पर ऐसे ही कहती है, जिसकी वजह से हैरी वहाँ से चले गया था। अब वो टैक्सी में था और वो रोने लगा था अपनी मॉम को लेकर, लेकिन वहाँ पर वो कुछ ड्रग्स लेता है, जिसकी वजह से वो ठीक हो गया था। अब टायरन को दिखाते हैं जो कि कुछ गैंग के साथ ड्रग डील करता है, लेकिन एकदम से उन गैंग के बीच लड़ाई होने लगी थी। टायरन तो वहाँ से भाग गया था, लेकिन पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। अब उन्होंने ड्रग बेचकर जितना भी पैसा कमाया था, उससे हैरी टायरन की बेल करवाता है। अब सेहरा को दिखाते हैं जो कि एक एक पिल्स लेती थी, लेकिन अब वो एक साथ दो पिल्स को लेने लगी, क्योंकि उसे जल्द से जल्द पतला होना था। लेकिन पिल्स लेने के बाद वहाँ पर वो कुछ इमेजिनेशन करने लगती है, जैसे कि वो उस टीवी शो में पहुँच गई है और फ्रिज उसे मारना चाहता है, क्योंकि वो एकदम से पागल सी हो गई थी। लेकिन इतना ही नहीं, कुछ टाइम बाद तो वो एक साथ तीन पिल्स लेने लगी थी, जिसकी वजह से वो इमेजिनेशन लगातार कर रही थी और वो काफ़ी ज़्यादा पागल भी हो गई थी। इसके बाद वो डॉक्टर के पास जाती है और वहाँ पर भी उसे कुछ आवाज़ें आ रही थी और वो काफ़ी डरी हुई थी। अब फिल्म में हमको हैरी को दिखाते हैं, तो उसके पास अब हेरोइन भी नहीं बची थी और यहाँ तक कि उनके पास जितना भी पैसा था वो भी ख़त्म हो गया था, जिसकी वजह से मैरियन हैरी से लड़ती है और वो उससे कहती है कि तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना होगा। अब वो टायरन के पास था और टायरन हैरी को बताता है कि फ्लोरिडा से न्यूयॉर्क में ड्रग की लार्ज शिपमेंट होने वाली है, तो हम ड्रग तो खरीद सकते हैं, लेकिन इस बार प्राइस डबल है, जिसके लिए उनको और ज़्यादा पैसे चाहिए थे। तो हैरी मैरियन के पास जाता है और उससे कहता है कि तुमको अपने थेरेपिस्ट आर्नोल्ड से कुछ पैसे लेने होंगे, क्योंकि हमें ड्रग्स ख़रीदने हैं। तो मैरियन बिल्कुल ऐसा ही करती है, वो अपने थेरेपिस्ट के पास जाती है और उससे पैसे मांगती है, लेकिन वो थेरेपिस्ट हरकी था और उसे मैरियन के साथ मजे करने थे, तो वो उसके हाथ को पकड़ता है। मैरियन ऐसा चाहती नहीं थी और वो उस थेरेपिस्ट को उसी टाइम मारना चाहती थी, बट वो ऐसा कर नहीं पाती है और उसके पास कोई चॉइस भी नहीं थी, क्योंकि उसे पैसे चाहिए थे। तो वो उसके रूम में जाकर आर्नोल्ड के साथ रोमांस करती है। उसे पैसे तो मिल गए थे, लेकिन वहाँ से बाहर आकर वो उल्टियाँ भी करती है। अब हैरी और टायरन को दिखाते हैं जो कि एक सुपरमार्केट के पिछले डोर पर जाते हैं, जहाँ पर कि एक ट्रक से ड्रग बेचे जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ लोगों के बीच लड़ाई होने लगी थी, जिसकी वजह से वो ड्रग का ट्रक वहाँ से चले गया था और वो दोनों ड्रग्स भी नहीं खरीद पाए थे। अब वो दोनों उसी के बारे में बातें करते हैं और वहाँ पर हैरी टायरन से कहता है कि हमको मियामी जाना होगा ताकि हम डायरेक्ट होलसेलर से ड्रग खरीद सकें, वो भी अपने प्राइस पर। अब सेहरा को दिखाते हैं जो कि लगातार उन पिल्स को ले रही थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा पागल हो गई थी। वहाँ पर वो इमेजिनेशन करती है कि वो टीवी शो में है और उसी के साथ वो कुछ डरावनी इमेजिनेशन भी करती है। अब हैरी और टायरन को दिखाते हैं जो कि मियामी के लिए निकल गए थे। इसी के साथ सेहरा को दिखाते हैं, तो टीवी शो की तरफ से उसके पास कोई कॉल नहीं आया था, तो वो कास्टिंग एजेंसी के पास जाती है कंफर्म करने के लिए कि वो टीवी पर कब आएगी, लेकिन वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा पागल लग रही थी और पागलों जैसे बातें कर रही थी, जिसकी वजह से वहाँ पर जितने भी लोग थे वो पुलिस को बुला लेते हैं और पुलिस सेहरा को वहाँ से ले गए थे। अब हैरी और टायरन को दिखाते हैं जो कि कार में थे,
उनका सफ़र काफ़ी ज़्यादा लंबा था और वो न्यूयॉर्क से काफ़ी ज़्यादा दूर भी चले गए थे। बीच रास्ते में वो ड्रग भी लेते हैं, लेकिन जिस हाथ पर हैरी इंजेक्शन लगाता था उस हाथ पर उसको इन्फेक्शन होने लगा था। अब सैरा को दिखाते हैं जिसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, इसी के साथ मैरियन को दिखाते हैं। तो हैरी वहाँ पर नहीं था और उसे भी ड्रग की लत थी और वहाँ पर उसके पास कोई ड्रग भी नहीं था, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो वो बिग टीम को कॉल करती है उससे ड्रग लेने के लिए, लेकिन वो पहले तो मैरियन के साथ मज़े करता है, इसके बाद वो उसे ड्रग देता है। अब मैरियन बाथटब में थी और वो वहाँ पर चिल्लाने लगती है क्योंकि उसकी ज़िंदगी काफ़ी बेकार चल रही थी। अब फिल्म में हैरी और टायरन को दिखाते हैं, तो हैरी के हाथ पर इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था जिसकी वजह से उसके हाथ पर काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो वो दोनों हॉस्पिटल में जाते हैं, लेकिन जैसे ही डॉक्टर हैरी के हाथ को देखता है उसे पता चल गया था कि वो एक ड्रग एडिक्ट है, जिसकी वजह से डॉक्टर ने वहाँ पर पुलिस को बुला लिया था और पुलिस उन दोनों को अरेस्ट कर लेती है। तो अब हैरी जेल में था और जेल से वो मैरियन को कॉल करता है और मैरियन हैरी से कहती है कि तुम कहाँ पर हो, मैं तुमको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही हूँ और तुमको मेरे पास आना होगा। हैरी उससे झूठ बोल देता है और कहता है कि मैं आज ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा, लेकिन वो आ नहीं सकता था क्योंकि वो जेल में था। और मैरियन को ये बात पता चल गई थी कि वो हैरी से अब कभी नहीं मिल सकती है, जिसकी वजह से वो रोने लगी थी। अब मैरियन दोबारा से टिम से मिलती है जो कि उसे एक क्लब में लेकर जाता है। वहाँ पर उसे भीड़ के सामने एक लड़की के साथ इंटीमेट होना था पैसे कमाने के लिए, और वो ऐसा करती भी है क्योंकि उसे पैसे चाहिए थे ड्रग्स खरीदने के लिए। अब सैरा को दिखाते हैं जो कि हॉस्पिटल में थी और उस पर एक से बढ़कर एक थेरेपी की जाती है, लेकिन वो किसी से भी ठीक नहीं हुई थी। अब हैरी को दिखाते हैं जो कि जेल में था और उसे जेल से हॉस्पिटल भेजा जाता है क्योंकि उसके हाथ का इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, लेकिन हॉस्पिटल में उसके हाथ को काट देते हैं। इसके बाद वो रोने लगा था क्योंकि उसे रियलाइज़ हो गया था कि वो अब मैरियन से कभी नहीं मिल पाएगा। अब फिल्म में हमको मैरियन को दिखाते हैं जो कि वेश्यापना करके अपने रूम में आई थी और उसके पास अब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ड्रग्स थे जिनको देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे। अब सैरा को दिखाते हैं जो कि मेंटल हॉस्पिटल में थी और वो पूरी तरह से पागल हो गई थी। इसी के साथ टायरन जेल में था और उसे ड्रग लेने की लत थी, लेकिन वहाँ पर उसके पास कोई ड्रग नहीं थी जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था। लास्ट सीन में हमको दिखाते हैं कि सैरा अपने बेड पर लेटी थी, लेकिन वहाँ पर वो इमेजिनेशन करती है कि वो अपने उस फेवरेट गेमिंग टीवी शो में है अपने बेटे के साथ, और ऐसा इमेजिनेशन करके वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी। तो वो चारों काफ़ी ज़्यादा परेशान थे सिर्फ ड्रग लेने की वजह से। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि कभी भी ज़िंदगी में ड्रग या फिर नशा मत करना। और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।